नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सपा विधायक मेहरोत्रा के भाषण पर नगर निगम में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी और सपा पार्षद आमने सामने आ गई। दोनों की तरफ से सदन में जमकर नारेबाजी हुई। सपा विधायक रविदास ने सदन में कहा कि नगर निगम गुजरात की 3 कंपनियों को 15 करोड़ का लाभ पहुंचा रहा है। नगर निगम ने जो 200 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था उसके ब्याज का 15 करोड़ रुपए गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है। विधायक ने सदन में दावा किया कि अगर उनकी बात गलत निकले तो वो सभा में तुरंत माफी मांगने को तैयार हैं। उनकी इस बात पर बीजेपी पार्षद खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि सपा सरकार ने ही 1 ग्रेनो कंपनी को शहर में कूड़े की जिम्मेदारी दी गई थी। ये कंपनी बड़े घप कर रही है और उधर सपा और संसद कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि 1 ग्रीन को भी बीजेपी ने मौका दिया है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो यहां पर अब बीजेपी और सपा आमने सामने नजर आ रही है तमाम मुद्दों को लेकर। और अब जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सपा विधायक मेहरोत्रा के भाषण पर नगर निगम में भारी हंगामा होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी और सपा पार्षद आमने सामने आ गए। दोनों की तरफ से सदन में जमकर नारेबाजी की गई। सपा विधायक रविदास ने सदन में कहा कि नगर निगम गुजरात की 3 कंपनियों को 15 करोड़ का लाभ पहुंचा रहा है। नगर निगम ने जो 200 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था उसके ब्याज का 15 करोड़ रुपए गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, रविदास मेहरोत्रा जो हैं वो गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जमकर हंगामा हुआ है। देखिए, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से जो है विधायक भी है, और दूसरी चीज समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप ये है इस समय भाजपा पर नगर निगम में कि जो ठेका है करोड़ों का वो भाजपा की किसी कंपनी यानी गुजरात की किसी कंपनी को दिया गया है जो सीधे भाजपाइयों के लिंक में है। ये सबसे बड़ा आरोप है। इसमें सदन में इन्होंने नगर निगम में इसमें हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है, और उस प्रदर्शन में ये बात भी जो है रविदास मेहरोत्रा ने दावे के साथ कही है कि अगर वो चाहें तो इसकी जांच करा ले, अगर मैं झूठा हूं तो जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तो इस तरीके से स्पष्ट तरीके से एक विधायक या समाजवादी पार्टी के नेता का बोलना और आरोप लगाना, मुझे लगता है कि अब जांच का विषय होना चाहिए। और जांच का विषय ये है क्योंकि जिस तरीके से एमएलए ने ये आरोप लगा दिया है सीधा सीधा भाजपा पर और नगर निगम में भ्रष्टाचार पर लगाया, हो सकती उत्तर प्रदेश पर जो योगी सरकार है वो करप्शन पर ही कटिबद्ध है। उन्होंने सबसे पहला जो टारगेट किया है टास्क लिया है वो करप्शन का ही किया, और करप्शन पे कोई लापरवाही उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बरत रही है। मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा करप्शन पर ही गंभीर है और अब करप्शन पर ही आरोप लग रहे हैं, तो इसकी जांच होना निश्चित होनी चाहिए। और जांच होना मुझे लगता है कि रविदास मेहरोत्रा के जो लेकिन यहाँ दानिश देखा जाए तो जो बीजेपी पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि सपा सरकार ने ही 1 ग्रेनो कंपनी को शहर में कूड़े की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है और जो सपा पार्षद कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? क्योंकि लड़ाई सिर्फ अगर यहाँ पर दिखावे की है तो कहीं ना कहीं इस पर जनता पर भी ये गलत असर डाल सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो आरोप है गंभीर है और स्पष्ट तरीके से है और दावे के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का जो पलटवार है वो समाजवादी पार्टी पर है कि ठेकेदार जो थे वो सपा सरकार के सपा करीबी थे, सपा सरकार में हुआ। दोनों के अपने अपने वार पलटवार है। इसमें जांच जो है संभावित तौर पर बन रही है, और अगर रविदास मेहरोत्रा ये बात कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी जांच के सबसे ज्यादा कटिबद्ध रहती है उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसमें जांच होने में कोई बुराई नहीं। अचानक इस मुद्दे को क्यों उठाया गया और कैसे मुद्दा निकलकर सामने आ गया, क्योंकि आज या कल की बात तो है नहीं। देखिए, नगर निगम का चुनाव है अभी और निकाय चुनाव भी है, तो इसको लेकर मामला जा रहे हैं। बिल्कुल, इस मुद्दे को इसीलिए उठाया गया और ये तरीके से माहौल को गर्म करने का मुद्दा उठाया गया। पूरी तरीके से रुख बदलना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं या उनके जो कार्यकर्ता, इस मुद्दे को दिखा करके ये गर्माने की कोशिश करेंगे कि करप्शन उत्तर प्रदेश सरकार में भी हो रहा है और करप्शन भाजपा की सरकार में भी है। इसको लेकर के भाजपा समाजवादी पार्टी पर इस पे पलटवार कर रही है, ये उनके कार्यकाल का मामला है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा ने ये मुद्दा उठाया है तो क्या सोचकर उठाया है और समाजवादी पार्टी ने क्या सोचकर उठाया है, ये सबसे बड़ा संशय और सवाल है। लेकिन इसको उठाने की जो मकसद था वो नगर निगम चुनाव और निकाय चुनाव के ठीक है। दानिश, अगर नगर निगम चुनावों की हम बात करें तो आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, लखनऊ की सड़कों पर भी आप निकलते हैं, क्या चर्चा तेज है और क्या लग रहा है किसकी धाक जमने वाली है?
देखिए निकाय चुनाव क्योंकि ये लोकल स्तर का चुनाव है, यहाँ पर जो है लोकल की जनता तय करती है, और इसमें बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि जो जो एमएलए चुनाव विधानसभा का चुनाव होते हैं सांसद के, उनसे भी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता इस बात की देखी जाती है कहाँ कहाँ पर क्या विकास हुआ, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिस तरीके जो डेवलप नहीं हो पाई, लाइफ से लेकर के पानी स्वास्थ्य तमाम तरीके की संबंधित छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत जमीनी स्तर के चुनाव होते हैं, छोटे से छोटे मुद्दों को भी कहीं ना कहीं उठाया जाता है। दानिश फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नगर निगम में सपा पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एमएलए रविदास मेहलोत्रा के साथ जमकर नारे लगाए गए हैं। और अगली खबर कौशाम्बी से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में 9 महीने पहले 292 करोड़ की लागत से बने दुर्गा आवी पुल में अचानक दरार आ गई। स्थिति यह है कि राहगीरों को उस पर चलने में डर लग रहा है। इतना ही नहीं, पुल के दोनों तरफ जॉइंट में 4 इंच का गैप हो गया है। बता दें कि इस पुल का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया था। पुल में दरार आने से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अफसरों में हड़कंप मच गया। रेलिंग से सटकर आ रही दरारें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। इस दरार को सीमेंट के घोल से छिपाने के लिए राज्य सेतु निगम के अफसरों ने भरसक कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबों में वो सफल नहीं हो सके। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। सपा और अपना दल गठबंधन की सरातू विधायक पल्लवी पटेल ने ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साध दिया। पल्लवी पटेल ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को घेरा है। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश में निर्माण एवं ठेका पट्टा में एक संगठित गिरोह सुनियोजित लूट कर रहा है, और मेरा सीधा आरोप सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर है। वास्तव में वो ठेकेदार मंत्री हैं और इन समूह का सरगना है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं कौशाम्बी में ट्रामा सेंटर, ओवरब्रिज, अतिथि गृह समेत अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्य की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं इन सब कार्यों में सरकार और अधिकारियों के मिलीभगत की जांच मुख्यमंत्री जी के निगरानी में कराने की मांग करती हूं। जब डिप्टी सीएम से इस बारे में बात की गई तो ऐसे सवालों से बचने के लिए मीडिया कर्मियों को ही नसीहत डालते हुए वो नजर आए हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दानिश, एक और बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पल्लवी पटेल ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरार एक मामूली से पुल में आई थी और उस दरार का खामियाजा भाजपा के आरोप में भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम को पल्लवी पटेल ने ये बात कह दी है कि एक उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के द्वारा ठेकेदारी में लूट खसोट का काम किया जा रहा है, बड़ा एक गंभीर आरोप लगा। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि इसमें साफ साफ तरीके से ये बोल दिया गया है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा लूट की जा रही है, और एक ठेकेदार पे आरोप लगा है सीधे सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास। तो आप जब उनसे मीडिया ने इस बारे में पूछना चाहा कि सीधे सीधे आप पे आरोप लगा है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब न देते हुए बड़ी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा है कि ऐसे सवालों को मीडिया को भी बचना चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि इस बारे में कोई प्रतिक्रिया डीवाईसीएम की यानी केशव प्रसाद मौर्य की नहीं आई। तो ये आरोप पल्लवी पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगा दिया है। करीब करीब 300 करोड़ की लागत से ये पुल तैयार हुआ था और इस पुल में अब दरारें आ गई हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर वक्त रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो। कोशिश की जा रही है इसे छिपाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो राज्य सेतु निगम के अफसर हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंसूबे उनके सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले पर सियासत बहुत ज्यादा है दानिश, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या बीजेपी की तरफ से कोई और प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, मोरबी पुल जब गुजरात में हादसा हुआ था तो उसमें बीजेपी सरकार काफी ज्यादा गिर गई थी। आज पल्लवी पटेल ने जो ट्विटर पर हैंडल पर जो एक दरार का जो उन्होंने फोटो अपलोड करके जो आरोप लगाया डीवाईसीएम पर कि सीधे सीधे एक ही मुख्यमंत्री का ठेकेदारी में दरार में भरी जा रही है। दरार भले ही बहुत ही छोटी, लेकिन हादसे बहुत बड़े हो सकते हैं इससे। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं ये गंभीर आरोप है। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य की सफाई में केवल इतना आया है कि ऐसे सवालों से मीडिया को बचना चाहिए। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को अपनी जिम्मेदारी नहीं मालूम है या वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करके केवल इस बात से पल्ला झाड़ लेंगे कि मीडिया को ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए? फिर दरार कौन करेगा? जिस तरह से पल्लवी पटेल सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़े कर रही है, यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर शासन की मंशा सही है तो उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं शासन की मंशा पर पलीता लगाते हुए दिखाई देते हैं।
बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर DYCM अपनी जिम्मेदारी से अगर भागेंगे और गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए केवल इस बात से पल्ला उछालेंगे कि ऐसे सवालों को मीडिया को बचना चाहिए, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य जी से सवाल ये है पल्लवी पटेल का भी और मीडिया का भी कि फिर वो दरारे कौन भरेगा। दानिश हम इंतजार करेंगे कि जल्द इस पर रिएक्शन आए बीजेपी का, और जिस तरह से पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया है उन आरोपों की जांच भी हो। फिलहाल दानिश आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपको रुख करूंगी। तो कौशाम्बी से जानकारी मिली है जहां पर पुल बनाया गया था और पुल में दरारें आ गई हैं। 300 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हुआ था, जिसको लेकर पल्लवी पटेल लगातार उपमुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन इस पर केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। वहीं बरेली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जिबगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के रवाना होते समय कोच नंबर B8 में चल रहे फौजी को TT ने धक्का मार दिया, जिससे फौजी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गया। ट्रेन से फौजी को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी सूचना मिलते ही अन्य फौजी ने दूसरे TT की पिटाई कर दी। घायल फौजी को भर्ती कराया गया इलाज के लिए। बता दें कि बलिया के रहने वाले सोनू राजपूत बटालियन जयपुर में तैनात है, वो दिल्ली जा रहा था। बरेली स्टेशन पर सुबह करीब 9:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आकर रुकी थी। वो पानी की बोतल लेकर स्टेशन पर उतरा और 9:20 पर जैसे ही ट्रेन चली वैसे ही फौजी सोनू कोच में चढ़ने लगा। आरोप है कि कोच में मौजूदा TT उपेंद्र बोरा ने धक्का मार दिया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और हालत ये हुई कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही अन्य फौजी मौके पर पहुंचे। ट्रेन में मौजूद लोगों ने धक्का मारने वाले टीटी के साथी की जमकर पिटाई की, जबकि धक्का मारने वाला मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग निकला है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए, दानिश का मैं रुख करूंगी। दानिश, बेहद ही गंभीर मामला है, एक टीटी एक फौजी को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से आज हालत यह है कि उसकी हालत इतनी गंभीर है कि देखा ना जाए। आरोप यह है कि दूसरे टीटी की पिटाई कर दी गई है। इस पूरे मामले पर जो आरोपी है, क्या उसकी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? नहीं, देखिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और फौजियों का रेलवे स्टेशन पे वहीं पे हंगामा हो रहा है और बड़ी दुर्भाग्य की घटना है ये। इस घटना से मैं भी कह सकता हूँ कि बहुत ही आहत हुआ हूँ मैं खुद, और दूसरी चीज वहाँ पर जो फौजी हूँ कितना आहत हुएंगे ये दर्द वही समझ सकते हैं जिसके दोनों पैरों के अंग यानी कि दो पैर उसके वहां पर कट गए हैं। TT ने किस बात को धक्का दिया है, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि आरोप TT का जो है वो फौजी पर ये लग रहा है कि उनके किसी दूसरे TT को मारा पीटा गया है या भद्रता की गई, वो बात का है। लेकिन जिस तरीके से TT ने फौजी को ट्रेन में धक्का दिया है और उसके दोनों पैर जिस तरीके से कट गए हैं, ये गंभीर विषय है। और मुझे लगता है कि रेलवे के अंदर जो TT है, मुझे लगता है इनको भी प्रशिक्षण की जरूरत है। यूपी पुलिस के साथ साथ अब TT को भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ गई कि किस तरीके से देश की रक्षा और सेवा करने वाले फौजी अगर ट्रेन में चढ़े हैं और किसी बात को वाद विवाद है तो कानून है, देश है, संविधान है, GRP है, RPF है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जानलेवा हमला हो सकता है। गनीमत है कि जो फौजी है वो जिंदा है। अगर यहाँ पर बड़ा इससे भी हादसा हो जाता तो कहीं ना कहीं जवाबदेही बहुत मुश्किल हो जाती। देखिए, देश के एक रक्षा के दोनों पैरों का कट जाना यानी कि सेवा और सुरक्षा के मौके को खो जाना। अब वो देश के जिस तरीके से उसके दोनों पैर कट चुके हैं वो देश की सेवा और सुरक्षा को सेवा नहीं दे पाएगा। लेकिन उसके जो जिस तरीके की रेलवे के अंदर जो घटना हुई है TT की हरकतों से, उससे एक बात तो साफ हो गई कि जब फौजी के साथ ऐसी घटना घटी है तो रेलवे के अंदर आम आदमी के साथ क्या होता होगा, और RPF कहाँ पर थी, GRP कहाँ पर थी, और अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ऐसी कौन सी गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी जो TT को देश के फौजियों के साथ साथ एक आम आदमी का भी सम्मान करना पड़ेगा, किस तरीके ऐसी घटना है ना हो। जी चलिए ठीक है, उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जल्द ही खुलासा होगा, जो मुख्य आरोपी TT है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। दानिश आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपको रुख करूंगी। तो बरेली का एक पूरा मामला है जहां पर धक्का मुक्की में ट्रेन से गिरने से एक फौजी की हालत गंभीर हो गई है और काफी जख्मी हो बताया जा रहा है, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ है, लेकिन जो मुख्य आरोपी TT है वो मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कवायद में जुटे हैं। इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को सेफई में प्रसपा चीफ शिवपाल यादव से मुलाकात की।
इस दौरान डिंपल यादव भी उनके साथ रही। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा ने डिंपल यादव को इस सीट से उतारा है, जबकि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया। इससे पहले सपा ने मैनपुरी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव, आजम खान, जया बच्चन समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है। इससे पहले शिवपाल यादव ने बुधवार को सेफे में प्रसपा के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मैनपुरी में डिंपल का समर्थन करने के लिए कहा था। और मेरे सहयोगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए। दानिश, मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव मैदान में, और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही उससे साफ लग रहा है कि चाचा भतीजे में सुलह हो चुकी है। जी देखिए, चाचा और भतीजा दोनों में कब मतभेद होता है, कब मेल होता है, चाहे की जनता जी आप कंफ्यूज हो। यूपी की जनता का कब चाचा जी हाथ भतीजे से बन जाएंगे और कब भतीजे हो जाएंगे, यूपी की जनता के कंफ्यूज है। दूसरी चीज, रथ में जगह शिवपाल यादव को नहीं मिली थी, लेकिन आप घर में उनके साथ बराबर की जगह मिल रही है। लेकिन ये डिंपल यादव के लिए सुनहरा मौका कहा पुलिस है, उत्तर प्रदेश की मैनपुर सीट सबसे ज्यादा वर्चस्व की सीट है। उस सीट पर भाजपा मुख्यमंत्री, यानी कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। इससे ये बात साफ हो गई है कि शिवपाल यादव ने भी अखिलेश की बात मान ली है और अखिलेश यादव के साथ अब बराबरी के साथ बैठे हैं। और डिंपल को आप अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का समर्थन है। शिवपाल यादव जो है जमीन नेता, शिवपाल यादव के पास वहां पर जो शाख वोट है, जो वहां पर मुस्लिम मतदाता है, जो बिल्कुल, यानी इससे साफ है कि किसी भी तरीके से मैनपुरी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में ना चली जाए, इसको लेकर परिवार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देने की कोशिश की जा रही है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता भी अब कंफ्यूज है। पिछले चुनाव से पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में बहुत मतभेद चल रहे थे, चुनाव में फिर गठबंधन हो गया और उसके बाद फिर अब जो है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ हो गए। ये अच्छी बात है कि दो रिश्ते जुड़ गए, लेकिन अब डिंपल यादव के लिए थोड़ा राह आसान हुई है। अभी शिवपाल यादव की सक्रियता ये तय कर देगी कि बीजेपी के खाते में ये सीट जानी है या मैनपुर फिर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद। पारिवारिक सुलह हो चुका है या सिर्फ इस चुनाव के लिए, इस उपचुनाव के लिए ये तस्वीरें हमें नजर आ रही है, अंदर खाने क्या ये सही है कि वाकई परिवार एक हो गया है? देखिए, परिवार एक हुआ है नहीं हुआ उनका देखिए पर्सनल विषय मामला है, लेकिन जिस तरीके से ट्विटर पे अखिलेश यादव ने बात सामने करके दर्शकों को ये बात बताने की कोशिश की उनके चाहने वालों को कि आज हमारे साथ जो है चाचा जी साथ में है और हम लोग बराबरी से चुनाव लड़ेंगे और बराबर सपोर्ट करेंगे, हम लोग साथ में है। लेकिन दूसरा सवाल ये थी कि रथ में भले शिवपाल यादव को पिछले चुनाव में जगह नहीं मिली थी, इस बार बराबर शिवपाल को साथ में लेकर चल रहे। नेताजी के जाने के बाद शायद अखिलेश यादव ने भी इस बात को समझा होगा कि चाचा ही उनके नेताजी के समान है और शायद शिवपाल यादव ने भी ये बात समझी होगी कि भतीजा भी उनके परिवार का हिस्सा है और इस वक्त सबसे ज्यादा सीट बचानी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि दांव पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव और उनके परिवार के साथ दांव पर लगी है और भाजपा के लिए इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी, अपने बुरे अपने नाराज लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी, जो लोग उनसे नाराज है उनसे मन मनोबल करने की कोशिश करेगी और किसी भी तरीके से जीतने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दानिश, अगर डिंपल यादव की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेताजी की बहू हैं और एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है मैनपुरी में उन्हें मिल सकता है। लेकिन अगर बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है रघुराज शाक्य, वो अपने आप को नेताजी का शिष्य बताते हैं, तो शिष्य पर ज्यादा जनता विश्वास कर सकती है या वाकई परिवार पर विश्वास जताएगी मैनपुरी की जनता, अगर पिछले तमाम चुनावों की हम बात करें मैनपुरी में? रघुराज शाक्य देखिए, सबसे पहले उनको प्रत्याशी बनाया गया भाजपा की तरफ से, तो वो नेताजी के समाधि स्थल पर बैठे आशीर्वाद देने पहुंचे। ये भी एक देखिए कह सकता हूँ आभार व्यक्त करते हो, हालांकि नेताजी के वो पुराने चेले माने जाते हैं। 2004 से सपा सांसद रहे थे और अब सामने तो जो प्रतिद्वंदी है वो परिवार का एक सदस्य है, सदस्य है डिंपल यादव। आप ये सीट जो है तय करेगी कौन जीतेगा, लेकिन जसवंत नगर से जो विधायक जब शिवपाल यादव जीते थे सबसे ज्यादा लीड खुली थी, 62,000 से ज्यादा लीड उम्मीद की थी, जो समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी 7,000 सीट थी। और शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी के साथ है, यानी कि जब डिंपल यादव को समर्थन करेंगे परिवार के नाते पार्टी के नाते, मुझे लगता है कि अब जो बीजेपी की जो सीट है जो रघुराज शाह की, वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ेगी और यानी कांटे की टक्कर दानिश दिखाई देगी मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मैनपुरी उपचुनाव से पहले चाचा भतीजे में सुलह होती हुई नजर आ रही है और इससे पहले
शिवपाल यादव टिंपल यादव को लेकर कह चुके हैं कि तमाम कार्यकर्ता उनका समर्थन करें और उनके लिए लगातार प्रचार करें। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। श्रद्धा मामले में अब दोषी आफताब को फांसी की सजा की मांग उठने लगी है। हिंदू जागरण मंच ने जुलूस निकालकर आक्रोश जताया है। वहीं डीएम को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपकर फांसी की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। मुंबई में एक हिंदू बहन के साथ में जो आफताब नाम के दरिंदे ने 35 टुकड़ों में जिसकी निर्मम हत्या की थी उसकी फांसी की अविलंब मांग के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है हिंदू जागरण मंच के द्वारा। जिस साझापुर में दो दो मंत्री हो तो भला उस जनपद की व्यवस्थाएं क्या होंगी। छोड़िए, दो दो मंत्री होना जनपद में वो अलग बात है, गांव के बेहतर इंतजाम ना होने पर सरकार पर सवाल खड़े होना ये अलग बात है। भाजपा सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला तो गांव की सेवा को लेकर लिया था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उनके जनप्रतिनिधियों ने सही से नहीं निभाई है, जिस कारण आए दिन सैकड़ों गौवंशों की मौत हो रही है। जनपद में लंपी वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय गौ संरक्षक संघ गायों को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। गाय आपको गली मोहल्लों से लेकर रोड पर घायल अवस्था में देखने को मिल जाएंगी। और संगठन की बात की जाए तो यूपी में गाय की सेवा को लेकर संगठन भी तमाम बने हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ महज खानापूर्ति और वाहवाही के लिए हैं। ऐसे में कोई एक संगठन है तो वो है राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत शर्मा ने कठुआ नगर पंचायत में घायल गौवंशों का डॉक्टर की टीम के साथ इलाज करवाया है। उनका कहना है कि हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, आज गौवंश दर दर भटक रहा है, बीमारी से भूख प्यास से उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जा सकता है। साजापुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 55 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस 7 दिवसीय अभियान में जिले के विभिन्न थाना पुलिस ने शराब और अवैध कारोबारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को 360 लीटर कच्ची शराब और 4 भट्टी बरामद हुई। वहीं पुलिस ने 2000 लीटर लहन को भी नष्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आरेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 7 दिनों तक पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, एक अलग से अभियान चलाया गया है ताकि जो अवैध शराब बनाई जा रही है, जो बिक रही है, उस पर एक्शन लिया जाए। जी देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगातार जो अवैध शराब के कारोबार है वो लगातार दिन पर दिन जो है उनकी वृद्धि हो रही है, लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर कड़ा जो है सख्त कदम उठा रही है, जिसको लेकर साफ साहब जो है स्वच्छ सप्ताह चला रहा है। उसमें जो है अगर शाहजहांपुर की बात की जाए तो जो है सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट करते हुए जो है कम से कम जो है 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लगभग बताते हैं कि कई लोग ऐसे जो है आरपीसी एक्ट के जो मामले हैं उन पे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कई जगहों पर जो है चाकू और शराब जो है भारी मात्रा में बरामद हुए, जिन पर जो है एक सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो है पुलिस की शाहजहांपुर की बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।